डिवाइन किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम मीठे चावल बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल इंद्रायणी चावल लिए हैं, जो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप भली कोई भी चावल यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक बाउल चावल, इस चावल से जितने चावल लिए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है मैंने, और जितने चावल है उससे आधा गुड़ और 4 चम्मच शक्कर लिया है मीठे होने के लिए, आधा बाउल तेल, काली किशमिश 2 चम्मच, 1.5 चम्मच नमक, 2 चम्मच सौंफ है। इसके लिए मैंने भारी तले वाला भगोना लिया है। पहले हम आधा बाउल तेल डालेंगे, ये थोड़ा गर्म होते ही अब पानी डालेंगे। इसे हम सौंफ डालेंगे, गुड़ डालेंगे, नमक डालेंगे, काली किशमिश, अब इसे उबाल आने तक ढक्कन लगा देते हैं। उबाल आ चुका है, अब चावल डालते हैं। इसे हम फास्ट फ्लेम पे रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसका पानी कम हो चुका है। अब इसमें 4 चम्मच शक्कर डाल के सिम पे रखते हैं 10 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम देखते हैं, ये थोड़े ड्राई लग रहे हैं, मैं इसे थोड़ा पानी ऐड करती हूँ और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखते हैं। अब गैस बंद करते हैं। अब ये मीठे चावल बन चुके हैं। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसे लगी। ये मीठे चावल आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।